हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। सॉरी, आज से एक क्वांट की मॉक पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं और सीरीज है आपके आईबीपीएस क्लर्क प्री 2019 की अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो पेपर का लेवल वही होगा, पेपर का पैटर्न वैसा ही होगा, टॉपिक वाइज वेटेज भी वही कोशिश करेंगे कि रहे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक से, और लेवल क्वेश्चंस का भी वही रहे। तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे एस्पिरेंट जिन्होंने LIC असिस्टेंट प्री की क्वांट की सीरीज देखी हो, तो ये भी सॉरी उसी तरीके से इसको भी रन करेंगे। बट ये डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पे, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स ठीक मिला तो ये कंटिन्यू हो पाएगी, नहीं मिला तो नहीं हो पाएगी। सो जो भी वीडियो आपको एटलीस्ट अच्छा लगे उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन से, और नंबर सीरीज में भी रॉन्ग नंबर सीरीज के, तो रॉन्ग हो या मिसिंग हो, नंबर सीरीज में इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकें। इसको अगर मैं देखूं 72, 78, 60, 90, 48, एक एक संख्या एक बार बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो ऐसी सीरीज में आप क्या करते हैं? आई थिंक आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, अल्टरनेटिव सीरीज का ऑप्शन सबसे पहले अपने देखें। तो अगर 62 और 72 और 60 को मैं देखूं तो यहां -12 है, और 60 और 48 यहां फिर -12 है, और 78 और 90 यहां +12 है, और 90 और 12 अगर मैं यहां +12 करूं तो यहां 102 आ रहा है, तो 104 इज द रूट। नेक्स्ट देखिए, वन है, वन है, फोर है, 12 है, 26 है, 51 है, 86। इस सीरीज को बिगनिंग में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मल्टीपल की सीरीज है, राइट? लेकिन आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की स्पीड भी घट रही है और विदाउट एनी पैटर्न हो रहा, तो गो फॉर डिफरेंस। यहां अगर मैं देखूं तो ये 35 का डिफरेंस है, यहां आपका 25 का है, यहां 13 का है, और यहां 8 का है, यहां 3 का है, और यहां 0 का है, राइट? तो इन डिजिट्स को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर -1, तो आगे क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर -1। तो अगर ये 15 होता है तो यहां बनता है 27, और ये 27 बनते ही यहां 24 बन जाता है, और 5 का स्क्वायर -1, ये ऑलरेडी 6 का स्क्वायर -1। तो परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब, प्लस उनसे एक कम एक ज्यादा, और साथ ही कोशिश करो कि जैसे एन स्क्वायर प्लस एन, एन क्यूब प्लस एन और माइनस, जैसे अब 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो ये हुआ 30 और ये हुआ 20, 6 का स्क्वायर प्लस 6 ये हो गया आपका 42, और 6 का स्क्वायर माइनस 6 ये हो गया 30। इन डिजिट्स को भी थोड़ा याद रखें। नेक्स्ट देखिए, 24 है, 13 है, 24 है, 14 है, 27, 117 है। तो सॉरी तबीयत थोड़ी नरम है। आप देखेंगे कि इस सीरीज को देखते आई थिंक आप पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि है तो मल्टीपल की सीरीज। उसमें दो वजह है, एक तो आप देखेंगे कि जो बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, सेकंड एक बड़ी संख्या फिर छोटी और फिर बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी मल्टीपल की। तो 24 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक जोड़ूं तो 13 आ रहे हैं, और 13 को मैं एक से गुणा करूं, एक जोड़ दूं तो 14 आ रहे हैं, 14 को फिर 1.5 से तो ये बन नहीं रहा, तो ऑब्वियस है फिर इसका डबल हुआ 28 प्लस 1 29, इसका मतलब 27 हो सकता है गलत हो, और ये यहां चेक कर लो प्लस 1, 29 का डबल 58, 58 का 116 प्लस 117 यहाँ चेक होगी। इससे आगे वाले पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, और जाना भी चाहो तो चले जाओ, राइट? नेक्स्ट देखें, 49, 193, 766, 300, 12,048,000, राइट? सीरीज को देखते ही आपको लग गया कि है तो मल्टीपल की सीरीज, राइट? लेकिन इसका थोड़ा आगे अंदाजा लगाओ, जैसे 12,048,000 ओबीएस इंटू 4 है, यहां भी इंटू 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इंटू 4 के साथ कुछ और है। 49 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
49 का डबल 98 का 196 और ये 193 तो माइनस 3 हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहां देखूं तो 193 के लिए 190 प्लस 3 अगर मैं करूं तो 190 का क्या हो जाएगा 760 और 12 772 और ये 766 है तो माइनस का 6 हो रहा है। अगर मैं आगे वाला करूं तो मुझे दिख रहा है कि 750 प्लस 16 है 750 प्लस 16 750 को मैं 4 से करूंगा तो 3000 आ गए और 64 और आ गए 3064 और ये है 55 तो माइनस का 9। तो आप देखिए एक सीक्वेंस बन गई, माइनस 3 है, माइनस 6 है, माइनस 9 है, इसका मतलब आगे माइनस का 12 और इससे आगे माइनस का 15। तो यहां 12000 तो आपके पास है एक आ गया और 220 एक आ गया, 12220 और उसमें से 12 घटा रहे हैं तो 218 है। तो आप इसको टिक कर दीजिए कि 48820 जो है वही मेरा राइट है, इसको करके भी देखेंगे। सॉरी, तो आप देखेंगे 8 4 32 लास्ट में यूनिट डिजिट आ रही है 2 और यहां 5 है तो वैसा यहां कोई डिजिट नहीं आ रही है तो इसी को होना है। करोगे तो भी 12 को 4 से करोगे 48000 आ गया, 48832 32 में से 17 गया तो 827 जबकि 820। नेक्स्ट देखिए 2348 100206 और 4110। अब आप इसको देखते ही आपके क्लिक क्या करेगा कि मल्टीपल है, क्योंकि आप देखिए सबके सब भी करीब करीब डबल है, राइट। अगर मैं यहां 23 को देखूं तो अगर मैं डबल इसका करूं तो मुझे 2 जोड़ने पड़ रहे हैं, इसको अगर मैं 2 डबल करूं तो मुझे 4 का एडिशन चाहिए, इसको भी डबल करूं तो यहां 6 का, तो मेरे पास एक सीरीज आ गई 2 4 6, तो इसका मतलब यहां 8 है क्या, ये नहीं है तो 410 इज द रॉन्ग टर्म, इसको टिक कर दें भाई। ये आपकी 412 आठ 420 है जबकि ये 410। नेक्स्ट देखिए ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, 6 फ्रेंड्स स्टार्ट ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 9755, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 9755, तो ये हो गई आपकी 100% की वैल्यू, राइट। तो 1% आप जरूर ध्यान रखिए 975 का 1% की वैल्यू है। पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज शेयर ऑफ ईच फ्रेंड इन द इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, उसमें से 12% ए का है, 17% बी का है, इस तरीके से इस 100% का फर्दर बाइफरकेशन। और इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में जो रेशियो आपका अगर टाइम इक्वल है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है, राइट। हाँ, अगर टाइम अलग अलग है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो आपका फैक्टर निकल के आया ये इसका रेशियो है, वो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है, राइट। तो यहां अगर मैं जल्दी जल्दी एक ये नोट कर लूं कि ए बी सी डी ई और एफ, ए के कितने परसेंट है, ये 12% पे है, बी 17% पे है, सी 15% पे है, डी 23 पे है और ई 19 पे है और एफ है वो 14% पे। अब ये इंफॉर्मेशन जैसे ही नोट होगी मुझे बार बार इस पे पाई चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, टोटल मुझे पता है कि 1% की वैल्यू 975 है। अब चलिए क्वेश्चन पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड द शेयर ऑफ डी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट कहीं कुछ दिया है क्या इसमें, एंड द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए मतलब इन्वेस्टमेंट का ही डिफरेंस इसमें फिर पूछ लिया आपसे, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के इन्वेस्टमेंट, तो ए 12% है, डी 23 है, तो 12 - 23 11%, 1% की वैल्यू 975 है तो 975 × 11 हो गई, राइट। तो कितनी आ गई 9750 और प्लस 975, तो आप देख लीजिए लास्ट में यूनिट डिजिट है 5 और 97000 और इसमें 9700 है, 9700 10000 कुछ करके है और लास्ट में यूनिट डिजिट, तो ये आपको देखते ही ये लग जाएगी 10725, जोड़ोगे तो भी जुड़ जाएगा लेकिन अगर आप अंदाजा भी लगाओगे तो भी लग जाएगा, राइट। 10725 इज द राइट। आफ्टर वन ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वाज रुपी 2480, टोटल प्रॉफिट आपको दे दिया आफ्टर वन ईयर, मतलब ये जो साल थी इसके अलावा कोई और अगली साल, द
द प्रॉफिट वॉज शेयर्ड अमंग द फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ना है। बी स्पेंड एंड सेव्ड हिज टोटल प्रॉफिट इन द रेशियो, बी का जो सेव्ड स्पेंड एंड सेव्ड ये तो उसने स्पेंड कर दिया और ये उसने बी का सेव्ड कर लिया, ये क्या है 24:7। फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय बी, बी ने कितना सेव किया, राइट तो 24,800 टोटल है, बी का आप देखोगे 17% इसमें से शेयर होगा, तो अगर आप देखिए 24,800 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू आ गई, 1% का शेयर है वो 248 रुपए, राइट 1% की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये 24,700 तो इसमें से आपको सेव कितना करेगा, सेव्ड अमाउंट बाय बी, तो सेविंग आपकी नेक्स्ट ये वाली है, तो 7/31 किसका 24,800 का, और उसमें आपका शेयर कितना है 17%, 17/17, ये आपका आंसर आएगा। अब इसको जितना जल्दी आप कर ले, तो 31 को मैं देखूं तो ये 8 टाइम्स हो गया, यहाँ 800 आ गया, ये दो सिफर यहां से आपकी कट गई, 8 × 7 = 56 × 17 आई थिंक यही आया था, तो 17 को अगर मैं 5 से करूं तो 17 × 5 = 850 तो यहां से आ गया, 102 और आ गया, 17 × 6 = 102 952 कहीं है क्या इसमें, 952 है, उसको ठीक कर ले। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 2 years द टोटल प्रॉफिट ऑफ ई वॉज ₹8,797, प्रॉफिट ऑफ ई बता दिया 2 साल बाद 8,797 था ई का, जिसका इन्वेस्टमेंट है 19%, राइट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी आफ्टर 2 years, तो सी और डी का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 15 - 23 8%, 8% का डिफरेंस रहेगा। अब 19% जिसका शेयर है उसको मिले हैं 8,797, तो जो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट डिफरेंस ही निकाल लो इसमें क्या हो जाएगा, तो 8/19 × 8,797 ठीक है, तो 19 से आई थिंक ये कट जाएगा क्या, 19 × 76 और 10 × 76 = 119, 19 × 114 = 463 × 8 तो 3200 तो एक आ गया, और लास्ट में 4 है, 4 तो लेकिन लास्ट में एक से ज्यादा के है, तो 3200 और फिर 8 × 48 = 480 और आ गया और 2400 आ गया, राइट, सो 3704 को टिक करें। नेक्स्ट देखिए, द टोटल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस किस का, A+E+F टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ BCD। अब इस क्वेश्चन के लिए इन्वेस्टमेंट वही है जो इनिशियली था, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज ही ले लो, सॉरी AE और F को अगर मैं जोड़ता हूं तो 12, 19 और 14 12 + 19 + 14 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया BCD, तो 17, 15 और 23, या आप क्या करें इनटू 100% निकलवाया, तो ये कितने हो गए 30 और 11 = 15, ये 45% है, आप नीचे वाला नहीं भी जोड़ते तो आपको पता है टोटल 100% है, एक अगर 45 है तो दूसरा ओबीएस है 55 होगा और गुणा 100 होगा, 5 से काटू 9 और ये 11, 11 × 9 = 99 तो 9 ये 81 के आसपास कौन सा है 81.82, इसको टिक कर दे और आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एफ, तो इसमें आप डायरेक्ट आप परसेंटेज से निकाल लीजिए, 12 इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और एफ है 14, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7, 6:7, तो 6:7 आप इसमें देखो कहीं है क्या, नहीं है तो नन ऑफ दीज को टिक करें और आगे। नेक्स्ट चलिए, क्या है सॉरी ये कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आप अपने ऑप्शंस में देखिए कि गैप कितना है, राइट तो आप देखिए 13,000 के आसपास से
जैसे अगर वो तो भी 100 के आसपास का आपके पास है गैप आ रहा है, तो आप 1.233 है, 12 है और 123 है, इनको आप जितना जल्दी कर लें पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके, आप इसको छोड़ दें 12 और 1 13 13 123 और 13 136, आप इन सबको 136 फटाफट मान लीजिए, राइट। अब ये 1235 इसको मान लीजिए, क्यों पीछे आपने सभी को नेगेटिव किया है, और ये 12345 इसको रख लीजिए, इससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये एक्सा है। अब आपको दिख रहा है कि एक तो 12000 1000 13000 तो मेरा एक आ गया, 13000 के बाद 300 और 200 500 और 1600, 13600 से प्लस है, तो 13600 से प्लस है तो 13715 को तुरंत टिक कर दीजिए। भाई आपको दिख रहा है कि 13600 से तो प्लस है, 13000 आया और फिर 2 1 3 3 6 600 और आ गया, उसके बाद आपको पता है कि 80 और 30 100 के आसपास ही है, 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, तो तुरंत 113715 को इसको एग्जैक्ट जोड़ने मत बैठ जाना, यहां आके आपके ज्ञान चक्षु खुले रखना और ये देखना कि मेरा ऑप्शन कहां सटीक जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 831.94 भाग 13 और 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब सॉरी ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में गैप है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप कुछ ही मान लीजिए, 832 मान लिया मान लो, और अपॉन 13 और प्लस 30 का 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब इसमें 13 से आप जैसे ही करोगे तो जैसे ही आपको गया कि 60 से थोड़ा प्लस है, तो आप 60 65 64 जो भी है वो फटाफट लिख दीजिए बस, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसे 1 2 3 जो भी आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं वो किसी से नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं उसका कोई स्क्वायर हो रहा है, नहीं उसका क्यूब हो रहा है, जितना अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं वो ही अल्टीमेटली रह रहा है, और उससे 1 2 के अप्रोक्सीमेशन से आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहां टाइम वेस्ट मत कीजिए, राइट। 34 का स्क्वायर आपको ध्यान है तो वेल एंड गुड है, नहीं सॉरी तो यहां आपका टाइम कर लगेगा। 34 को 30+4 में मानूं तो 34 को जैसे इसको 30+4 मैंने मान लिया मनी मन, और इसने 34 से मुझे गुणा करना है, तो 34 को मैं 3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 102, तो 1020 तो ये आ गया, और 34 2 68 68 का डबल 136 मेरे पास ये आ गया, 64 ये था, तो ये मेरे पास 1220 के आसपास, तो 1220 ही एग्जैक्ट है, उसको आप ठीक कर दें। सॉरी नेक्स्ट देखिए 36% ऑफ 350। अब इसमें भी ये रूट एक्स है इसका, मतलब जो भी चीज आएगी उसका स्क्वायर होना है, राइट। तो थोड़ा सा आप देखें 36% ऑफ 350 है, अब इसमें ज्यादा अप्रोक्सीमेशन की अपने को जरूरत नहीं है, मैं इसको ये मान लूं कि 350% ऑफ 36 है, राइट। तो कितना हो गया 36 का 3 गुणा तो 1 हो गया, तो कितना आ गया 108, और इसका आधा और हो गया तो 18 जोड़ लीजिए, अलग अलग लिख लो, एक साथ करना जरूरी थोड़ी है, और माइनस 6 को 19 से 19 छिकड़ा 114 ये आपका माइनस का आ गया, तो यहां आप देखेंगे 19 6 114, तो 108 और ये कितना आ गया 6 8 से माइनस का 6, और यहां आप देखोगे तो प्लस का 12, और उसकी स्क्वायर करना आपको तो 144 को टिक कर दे। नेक्स्ट देखिए इसमें भी इस साल जो भी एग्जाम्स हो रही हैं, इवन एलआईसी असिस्टेंट में भी स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि आप एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब अगर आप ज्यादा नहीं याद कर पाए 20 तक कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, सॉरी अदरवाइज 11 तक जरूर कर लें, और एक मेरा स्पीड मैथ का वीडियो है वो प्लीज आप पे चैनल पे जाके देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए रूट एक्स है, अब यहां अगर मैं देखूं तो मेरा ऑप्शंस में गैप खूब है, तो ज्यादा कुछ टेंस होने की जरूरत नहीं, रूट एक्स अब ये मुझे दिख रहा है कि 5 के आसपास है तो इसको मैंने 5 मान लिया, अब ये 23 और ये तो 23 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 33 69 30 के आसपास है, तो मैं इसको तुरंत 30 मान लूंगा। 28 को आप देखोगे 28 2 56 28 3 84, तो ये 30 से थोड़ा सा कम मान लो, मान लो मैंने 28 मान लिया इसको, इसको आप देखोगे 20 है तो 80 तो 2000 में आ गया, और 82 मान लिया चलो मैं, तो ये क्या आ गया मेरे पास है
करीब 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 क्या पूरा ही आई थिंक 140 आ गया, इसमें से माइनस मुझे 5 करना है 135, तो x की वैल्यू क्या होगी 135 का स्क्वायर। अब आप यहां पे ऑप्शन पे आई, अब यहां देखेंगे आप तो 135 का जो स्क्वायर होगा वो किसके नजदीक होगा, अब 16,000 है, तो भाई 13 169 16,900 तो 130 का ही आ रहा है और ये 135 है तो ऑब्वियस है इससे तो ज्यादा आएगा ही आएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 24,000 है, ये बहुत दूर हो गया राइट। तो कहां करोगे आप 18,227, मतलब थोड़ा सा एग्जाम को हावी मत होने देना और ऑप्शन को देखते रहना। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्या दिया है, डुरंटो एक्सप्रेस स्टार्टेड एट 9 AM फ्रॉम दिल्ली टू बंबई, मान लो ये दिल्ली है और ये है आपकी मुंबई, ये कितने बजे रवाना हुई 9 बजे दिल्ली टू मुंबई विद स्पीड ऑफ, और इसकी जो स्पीड है वो आपकी रहेगी 65 किलोमीटर पर आफ्टर 2 ईयर, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स मुंबई, यहां मुंबई कितने बजे शुरू हुई है 11 बजे, दो घंटे बाद ये जा रही है दिल्ली और इसकी सॉरी स्पीड होगी 81 किलोमीटर पर आवर। द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर एट 8 PM और ये दोनों मिली कहां कितने बजे 1:30 PM, मतलब इस ट्रेन के चलने के 2.5 घंटे बाद। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 घंटे तो ये ट्रेन अकेली चली है तो इसने ट्रेवल कितनी की, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, तो यहां तो ये अकेली चल रही थी तो 2 × 65 तो ये इसने ट्रेवल कर लिया, फिर जो बचे हुए जो 2.5 घंटे हैं भाई 11 के बाद में 2.5 आवर्स आगे, ये तो टाइम हो गया और स्पीड यहां क्या होगी रिलेटिव स्पीड होगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो स्पीड दोनों की S1 प्लस S2 65 प्लस 81 यही आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, तो 146 होगी, 80 और 60 140 ये 146 होगी। तो अब आप देखिए ये तो 130 है और ये 146 का डबल 292 और 146 का आधा 73 राइट, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 3 2 5, 5 सिर्फ एक में है 495, इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखिए, वेजेज ऑफ खुशबू एंड मेघना आर इन रेशियो 2:3, इफ द वेजेज ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000 एंड रुपीज 3000 रेस्पेक्टिवली द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57, फाइंड द न्यू डिफरेंस इन वेजेज बिटवीन खुशबू एंड मेघना। अब उसने क्या दिया, वेजेज क्या है, खुशबू और रेशियो इनका दोनों का, मान लो वेजेज पहले खुशबू के कितना था, खुशबू का जो वेज था 2K था और या 2X था मान लो, और मेघना का कितना था 3X था। अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीज कितना कर दिया, इफ द वेजेज ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय रुपीज 4000 एंड रुपीज 3000 रेस्पेक्टिवली, इतना इनको कर दिया, द न्यू रेशियो बिकेम 40:50, तो नया रेशियो क्या बन गया 40:57, फाइंड द न्यू डिफरेंस इन वेजेज बिटवीन खुशबू एंड मेघना, तो इनमें नए वेजेज में दोनों में डिफरेंस कितना रहा वो आपको निकालना, तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आई थिंक हो जाएगा, थोड़ा वो जो कैंसिल आउट होता है वो तो कर लो, यहां मैं अगर करूं 2 तो ये भी 2 बच गया, ये 20 हो गया, यहां 3 कर लूं मैं तो ये 1000 हो गया और ये 19 हो गया, अब आप इनको कैंसिल आउट कर लें, 19x प्लस 38,000 इज इक्वल टू 20x प्लस 20,000, 20,000 को 20K लिख लें वो ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि उसमें टाइम खराब कम होगा, तो ये x हो गया, ये 20,000 आपका इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, तो अब दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, ये तो 2x प्लस 4000 है तो 18 × 36 इसके तो हो गए 40K और दूसरे के इसके हैं 3K 3x तो 18 × 54 54 और 3 57 के 57 के तो डिफरेंस हो गया 17K 17K देख लीजिए 17,000। देख सकते ABC एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग
इन द रेशियो 3:2, तो इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, मान लो 3x है, इसका 2x है और इसका 4x है। आफ्टर वन ईयर प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो 3:4:5। फाइंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज 5 मंथ। ये दे दिया आपको कि ये तो 5 महीने है, ये मान लो कोई भी आपने ए मंथ्स के लिए है और ये मान लो बी मंथ्स के लिए, राइट और ये रेशियो आपको इनका दे दिया, क्या दिया, इसी रेशियो में ये प्रॉफिट बंटना है 3:4:5। तो यहां से अगर मैं देखूं 4x × 5 = कितना है 5 पार्ट। ये 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं 5 पार्ट की वैल्यू देखूं तो 5 पार्ट = कितना आ गया 4x × 5। तो 1 पार्ट = 4x है, 1 पार्ट की वैल्यू है 4x। अब आपको चाहिए क्या, 1 पार्ट 4x, राइट। तो आपको चाहिए है, देखिए फाइंड द पीरियड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तो ये 3 पार्ट है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 3 पार्ट = 1 पार्ट 4x है, तो 3 कितना हो गया 4x। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो ये x से x कट गया, 3 से और 3 कट गया और a = क्या आ गई 4 मंथ्स, राइट। तो ये आ गया 4 महीने इसका टाइम। नेक्स्ट देखिए, भवानी जस्ट फिल्ड हर कार्स फ्यूल कंटेनर विद 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, ए मिक्सर कंसिस्टिंग ऑफ 5% इथेनॉल एंड 95% पेट्रोल। क्या था इसका, ये अगर मैं इथेनॉल और इसका पेट्रोल का रेशियो देखूं तो क्या था 5/95, यही था। इफ हर कार रन्स बेस्ट ऑन ए मिक्सर कंसिस्टिंग ऑफ 10%, किस पे, अगर ये 10 हो और ये 90 हो तो ऑप्टिमम है, राइट right? सबसे ज्यादा एवरेज इस पे देता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इथेनॉल सी मस्ट एड इनटू द फ्यूल कंटेनर ऑफ हर कार टू अचीव ऑप्टिमम, तो इथेनॉल कितना, और मान लो यहां एक्स क्वांटिटी वो ऐड कर रही है और तब ये पोजीशन आ रही, तो एक्स की आपको वैल्यू चाहिए, राइट right? अब आप इसमें देखें तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूं, तो ये 1/19 और ये 1/9, राइट। तो अगर इसको आप आपस में गुणा कर लो, मतलब 19 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 171, ठीक है। तो अगर इसको मैं 9 से कर लूं, इसको 19 से कर लूं ऊपर नीचे, तो ये रेशियो क्या बन गया 9:171, और यहां ये क्या बन गया, इसको किससे करोगे 19 से, तो ये 19:171, क्योंकि इसमें आपने जो पेट्रोल है इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं किया, इसको इक्वेट किया मैंने कुल मिला, तो पेट्रोल तो उतना ही रहा, ये कितना हो गया 9 पार्ट से 19 पार्ट हो गया, राइट। और 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 9 पार्ट अगर आप देखें 20 लीटर में 5% है, 20 लीटर में आप यहां देखें 20 लीटर इनिशियली जो था उसमें 5% ये है, तो 9 पार्ट = कितना है 1 लीटर। तो यहां आपने कितना कर दिया 10 पार्ट और ऐड कर दिए, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/9 लीटर, राइट। तो 10/9 लीटर आप अगर इसको में ऐड कर देंगे, एलिगेशन के क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं तो थोड़ा सा इनको जरूर ठीक ठाक करके रखिए, हाई लेवल के नहीं आएंगे, इसी तरह के लो लेवल के क्वेश्चन से आते। नेक्स्ट देखिए, राजगढ़ अर्बन प्लानर एक्सपेक्ट द सिटीज पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाय 20% पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। भाई अभी जैसे मान लो 100% है, ठीक है, अगले साल और उससे अगले साल उनके ये है कि 20% का इंक्रीज इसमें आएगा, राइट right? पर ईयर और दी नेक्स्ट ईयर, इफ दैट प्रोजेक्शन वर्क टू कम ट्रू, और यही हो गया, द पॉपुलेशन 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ वुड बी एग्जैक्टली डबल द पॉपुलेशन ऑफ 1 ईयर एगो। अब ये कितनी हो जाएगी, जो 100 थी, अगर इसको मैं कितना परसेंट का इनहेंसमेंट हो जाएगा, इफेक्टिव परसेंट से निकलेगी,
20 + 20 + 20 × 20 = 100, तो ये होगी 44%, जो 100% थी वो होगी आपकी 144%, राइट। और उसको साथ उसने क्या कर दिया कि वन ईयर बैक को अगर मैं लूं तो वन ईयर बैक की क्या हुआ कि वन ईयर बैक से ये डबल होगी, इसका मतलब यहां क्या थी 72% से ये 144 हो गई। अब इसने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज इन ओवर द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितनी बड़ी, तो इन दोनों का ही कंपेयर करो सॉरी तो कितनी बड़ी 72 से 100 हुई, तो बड़ी डिफरेंस हो गया 28, और रेफरेंस किसके हो गए, हमेशा डेटम हो गया 72, 28/72 × 100 ये आपका आंसर आ जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस और किसके कंपेरिजन में, इसी के, तो 4 से मैं काटूं तो ये 7 हो गया, 18 हो गया। अब आप इसमें यहां भी देख सकते हैं थोड़ा सा आपको दिखेगा कि 18 × 95 = 7 × 35 35 से थोड़ा ज्यादा है, और ये 58% यहाँ कहीं है ही नहीं, तो 38 आप निकाल सकते हैं, या 700 को भी 18 से आप करोगे तो 18 × 72, मतलब आप इसको उल्टा लेके चलो, इसको मैं ये मान लूं 720 - 20 है, और ये बटा 18 है, ये बटा 18 है, ये 40% है और ये 10/9 है, राइट। तो ये तुरंत आप पे 1/9 कम है, 1 सही 1/9, तो 38 सही 8/9% इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, और ये आपके लिए बोनस टाइप होते हैं, ये आपको करने ही होते हैं और काफी जल्दी करने होते हैं, मतलब इनमें ज्यादा टाइम भी आप खराब नहीं कर सकते। अब इसमें अगर आप देखें तो इक्वेशन में फर्स्ट में पहला निशान माइनस है, दूसरा प्लस है, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी और दोनों पॉजिटिव आएंगी, राइट, और वाई की वैल्यू जो आएंगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और छोटी नेगेटिव आएगी। अब 20 और 63 के ऐसे दो फैक्टर करो, भाई ये 20 है, 63 है, 21 × 3, इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 81 हो जाए। तो अगर मैं 60 और 21 करूं तो हो गया, तो फैक्टर हो गया आपका, एक 60 हो गया और दूसरा 21 हो गया, इसको भी 20 से डिवाइड कर दें और इसको भी 20 से, राइट, तो ये तो 3 आ गया और ये करीब करीब 1.05 आई थिंक के आसपास ही आपका ये आ गया। अब यहां मैं देखूं तो 20 और 21 इनके मल्टीपल के ऐसे दो फ्रैक्शन करें जिनका डिफरेंस एक हो, तो ये डायरेक्ट ही हो रहे हैं 20 और 21, बड़ा हो गया 21, छोटा हो गया 20, और दोनों को 20 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 और ये वही आ गया 1.05। तो यहां आप देखेंगे कि जो x और y को जब कंपेयर करोगे तो ये सॉरी 3 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और यहां ये इक्वल है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू y, माइनस से तो कंपेरिजन का कोई मतलब नहीं हो, तो छोटा ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये p और q की फॉर्म में दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आप देखिए 12p और 5p, ये जब इस तरफ लेफ्ट साइड जाएगा तो 7p, 7p इज इक्वल टू 21 और 83, 83 और 21 को करोगे तो क्या जाएगा 104 और 48 = 105, तो ये आ गया 15, p की वैल्यू तो एक आ गई 15। q को आप अगर देखें तो यहां क्या कर सकता हूं मैं, √q + 1 = 1 to 1 = 11 आ गया, और 49 = 7 हो गया, तो ये हो गया 4। दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये भी स्क्वायर हो गया और ये q प्लस 1 हो गया, तो q इज इक्वल टू भी 15 आ गया, तो क्या आ गया p इज इक्वल टू q, और रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट देखिए, यहां क्या करें, इस p को LCM ले लें, तो ये क्या आ गया 17 + 19, और नीचे आ गया √p इज इक्वल टू √p, और √p दोनों करोगे तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में p, तो p की वैल्यू आपके आ गई 36। यहां मैं देखूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, q³/2 और q⁻¹ इज इक्वल टू 32³/2। अब q का ये दोनों ऐड होके दोनों का सम हो गया, ये 1.5 है, हाफ है, दो हो गई, तो q² = क्या बन गया यहां 35 का अगर मैं देखूं तो 2/5, तो 2^5 35 है और उसकी पावर 2/5 है, दोनों को गुणा करो ये, तो ये 2 का स्क्वायर, q² = क्या हो गया, q² = आ गया 2 का स्क्वायर मतलब 4।
क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, प्लस का टू और माइनस का टू, तो दोनों ही केसेस में पी इज ग्रेटर देन, राइट। नेक्स्ट देखिए, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसमें इक्वेशन का पहला साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी और छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी। वाई की भी दो वैल्यू आएंगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी नेगेटिव होगी। तो जब इस तरह का दोनों में प्लस माइनस के साइन हो, तो आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है और तुरंत पिक करना है एक्स इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दोनों की ही दोनों वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की भी और वाई की भी दोनों पॉजिटिव, सॉरी। अब एट और सिक्स का जो 48 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 16 हो, 12 और 4 हो गए, तो यहां वैल्यू आपकी 12 बाई 6 और 4 बाई 6 आ गई। यहां अगर मैं देखूं 8 और 18 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम क्या हो जाए, 13 है, तो 18 अठू 108 हो गए, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 6 भी अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 6 और 24 तो 24 और 6 बटे 8 और बटे 8 तो ये तो सॉरी 3 हो गया, ये 2 हो गया और यहां ये 2/3.66 हो गया, और यहां भी अगर मैं 2 से काटूं तो 2 × 3 = 3/4, तो ये हो गया 0.75। तो आप यहां देखेंगे अगर 2 और 0.66 तो इसमें आई थिंक ऑप्शन ई ही आएगा, भाई 2 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इससे तो सॉरी छोटा हो गया और इससे बड़ा हो गया, तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आ रहे हैं, अभी एलआईसी असिस्टेंट में भी आपने देखा, इससे पहले एसबीआई क्लर्क प्री का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, मतलब मॉडरेट टू इजी की तरफ ही था, आपने कट ऑफ भी देखी है कितनी ज्यादा गई थी। तो इसमें जब 30% ऑफ 20% ऑफ 50% ऑफ, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि ये सब के सब क्या हो रहे हैं, 30/100, 20/100, 50/100 और इंटू 2400 और इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप देखें एक सिफर, दो सिफर, तीन सिफर और पांच सिफर तो कैंसिल आउट हो गए, एक 10 बचा नीचे, तो 5 दुआ 10, 10 से 10 कट गया, ये 2 से ये कट गया, 12 × 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो एक्स इज इक्वल टू 6 को टिक करें। नेक्स्ट देखिए, 144/3 − 23 और इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, राइट। अब 144 तो इसको अगर आप करोगे तो कितना आ गया, आई थिंक ये 144 को अगर आप वैसे भी करें तो कितना आ जाएगा, 3 × 12 48 में से 23 25 25 का स्क्वायर 625 और प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स 632, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 1500 × 12.96। अब यहां आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि मैं 1296 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं, 1296 का कितना होता है 129, 35 का कितना होता है 1225, ये होता है 36 का, राइट। तो ये आ गया 3.6, तो तुरंत आप लिखिए यहां 3.6, यहां लिखिए 24 और प्लस 961, आपको ये आना चाहिए, 30 का 900 होता है, ये 31 का हो गया 31 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब आप यहां से एक सिफर यहां से हटा लीजिए, तो 24 × 36 24 दुआ और ये हो गया 75, 75 × 275 226 और 256 256 का जो स्क्वायर रूट है वो एक्स आ गया, तो ये 16 को टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी आ रहे हैं। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप देखिए पूरी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरे को अपने को क्या टारगेट रहना चाहिए कि 5 के बेस पे कन्वर्ट करना है। तो ये जैसे 25 है, तो मैं इसको 5 के बेस पे करूं तो मैं इसको मान सकता हूं 5 का स्क्वायर और उसका 2.7 टाइम,
इंटू फाइव का 4.2, और इसको डिवीजन में चेंज कर दूं मल्टीपल में, और ये आ गया 5 का 5.4 इज इक्वल टू 5 का 2x, राइट। अब आप देखें कि 27 × 54 45 है, ये भी ये 5.4 ये 5.4 तो कट गया, ये 4.2 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 2.1 को टिक कर। नेक्स्ट देखिए 25% ऑफ 8 इंटू एक्स। अब 25% आपको फ्रैक्शन तुरंत ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, 1/4 इंटू 8x माइनस, या आप इस तरफ ही ले जाओ इसको, 214 प्लस 676 है। अब आपको नहीं भी ध्यान है तो भी यहां ऑप्शन में खूब गैप है, तो आपको पता है कि 25 का 625 है, तो आप 26 ही लोगे, क्या करोगे यार बताइए आप। तो 20 भाई 25 का कितना है, 625 है, ये उससे ज्यादा है, तो आपने इसको 26 ले लिया, 240 हो गए। 240 इज इक्वल टू 1/4 × 8 है, 4 × 2 = 120, तो 120 आप देख लीजिए, 120 को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए 66.66%, ये आपको अब इसका फ्रैक्शन आना चाहिए। 66.6 क्या होता है, 2/3 इंटू 2952 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2952, और इसको जो डिवीजन को मल्टीपल में करें, 216 आपको पता है क्या होना है, 6 का क्यूब है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 1/6। अब ये 2 ये दोनों कट गए, 3 × 2 = 6, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आपका राइट ऑप्शन आ जाए। आजकल जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं इस पूरे 2019 में, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन और वैसे नहीं आ रहे। सॉरी, अब देखिए फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। ए शॉपकीपर ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन ऑल मेक्स, 15% का डिस्काउंट है, ही ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द रिड्यूस प्राइस टू कस्टमर हु पे कैश, कैश वाले को 5% का फर्दर एक डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे देता है। तो व्हाट कमिट कस्टमर टू पे ए कैश फॉर ए बैग ऑफ ₹440, अगर जिसकी मार्क प्राइस 444 है तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, ये निकलवाया। तो ये जब भी डिस्काउंट पे डिस्काउंट हो तो आप इफेक्टिव परसेंट से निकालिए, 15 + 5, और अगला माइनस आएगा 15 × 5/100, तो इफेक्टिव परसेंटेज कितनी आएगी, ये आपका 15.75 20 में से 19.25% का डिस्काउंट और आला है, इफेक्टिव डिस्काउंट जो 19.25। तो 440 वाली चीज कितने में मिल जाएगी, 440 को अगर मैं 19.25 इसका निकालूं, राइट, तो अगर मैं इसका अब मेरे पास क्या ऑप्शंस में भी थोड़ा थोड़ा गैप है, तो 20% अगर मैं निकाल लेता हूं तो 20% कितना होता है, 1/5, तो 1/5 यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 88। तो मुझे 440 में से 88 से थोड़ा सा कम चाहिए, 0.75, राइट। तो अगर मैं 440 में से 100 घटा लूं तो 340 और 12 वापस जोड़ दूं तो 352, तो 350 जो 2 से थोड़ा ज्यादा, तो 352 के आसपास देखिए, तुरंत इसको 355.3 को टिक कर दें और आगे बढ़ जाए। एग्जैक्ट आंसर पे टिक करना अपना टारगेट है, उसको एग्जैक्ट आंसर निकालना अपना टारगेट कभी नहीं होना चाहिए। लास्ट देखिए, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस, ए शेयर इज, ए का शेयर जो है इस 3/, ए शेयर 3/ चलो प्रॉफिट एंड सी शेयर इज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट कर लो इसको, प्रॉफिट में जो शेयर है ए का कितना है 3/16 पार्ट है, और सी का कितना है 1/4 पार्ट इसको मिला, तो बी को कितना मिलेगा भाई, पूरा एक है तो बी को कितना पार्ट मिलेगा, 3/16 और 1/4, तो मैं इनको इसको भी 16 बना लेता हूं, तो ये 4/16 हो गया, ऊपर नीचे मैंने कर दिया, तो ये 7/16 है, तो ये क्या हो गया 9/16 पार्ट इसका हो गया। अब इसमें दे दिया कि इफ बी रिसीव 396, इसको मिलते हैं 396, देन अमाउंट रिसीव्ड बाय सी विल बी, बी रिसीव सॉरी, तो सी को कितना मिलेगा, तो जब 9/16 पार्ट की वैल्यू 396 है तो पूरा कितना है,
16/9 और इसको कितना मिलेगा 1/4, तो इसको 4/16, 4/16 से गुणा कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से अगर करें तो शायद ये भी 9 चौके 36 और 9 चौके 36 44 का 4 चौके 16 176 176 यही आपका राइट आंसर आ जाए राइट, क्योंकि जब इसमें इन्होंने टाइम कोई मेंशन नहीं किया है इसका मतलब टाइम सबका इक्वल है राइट। तो जो प्रॉफिट का शेयर है वही शेयर आपका इन्वेस्टमेंट का। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times ऑफ इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी टाइम इट विल बी 16 times। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक तो छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, आप सीधा आप एक थोड़ा सा सोचिए कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है डायरेक्ट आपका टाइम और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है कि इट बिकम्स ए सर्टेन सम मनी बिकम्स 4 times, 4 times हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि 1 time तो वो खुद थी जैसे पी था, पी से 4p बन गया, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ 4p माइनस पी 3p हुआ इंटरेस्ट। तो अगर मैं पी को 100% लूं तो ब्याज एक तरह से 300% हो गया और 300% कितने साल में हो गया 8 साल में, तो पर ईयर कितना हो गया 300/8, ये उसका पर ईयर का ब्याज है। अब वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 16 times कब होगी जब उसका जो इंटरेस्ट है वो 15 times होगा 1500% राइट। तो आप अगर इसमें इसको 300/8 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 308 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज करके 30 5 8 40 40 साल दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, दिया हुआ है तो उसको टिक कर दें राइट। नेक्स्ट देखिए द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड ए सन एट प्रेजेंट इज 5, फादर और सन की प्रेजेंट में 5:2 है। 4 years hence, 4 साल बाद द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सन एंड इज मदर विल बी 1/2, सन और मदर तो सन और बटे 4 साल बाद इनकी 1 और 2 होगी। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द मदर, और आपसे पूछा है फादर और मदर राइट। तो इसमें कहीं भी आपको एज नहीं दी और इससे निकालना निकलेगी क्या है, फादर और सन का आपको एवरेज दिया है और यहां और वो भी प्रेजेंट नहीं दिया 4 साल बाद दिया है। तो यहां अगर आप सन में फादर की ये सन को रिप्लेस कर देंगे फादर से राइट, भी 2/5 ऑफ फादर तो 2/5 फादर, या मैं कर भी दूंगा तो +4 है तो ये नहीं निकलेगा, तो कांट बी डिटरमाइंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए देव एंड देविका कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 and 40 days। ये मान लो देव है और ये देविका है, ये 45 में और ये 40 डेज में, तो अगर मैं इसका LCM 360 ले लूं तो ये कितने दिन, एक दिन का काम इसका 9 units हो गए और इसका 8 units हो गए राइट। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट देव लिव आफ्टर सम डेज एंड देविका फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23, रिमेनिंग वर्क को 23 डेज में किया है, इसका मतलब देविका ने अकेले कितना काम किया, भाई 360 यूनिट टोटल वर्क था तो देविका ने कितना काम किया, देविका ने बैलेंस वर्क कितना है, बैलेंस कितना था जो देविका ने 23 दिन में किया, तो 23 दिन में देविका कितना कर लेगी 23 into 9 units 180, आई थिंक 207 होगी क्या, 20 9 180 और 27 तो 207 यूनिट। तो इन दोनों ने मिलके कितना किया, बोथ ने जो इनिशियली दोनों थे तो इन्होंने किया 360 - 207 153 यूनिट्स इन्होंने दोनों ने की। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड दे लिव, तो इसको 17 से डिवाइड कर दीजिए, इतने दिन तक दोनों ने साथ काम किया तो 17 9 153 आई थिंक 9 days देख लीजिए, 9 दिन तक इन्होंने साथ किया और उसके बाद। तो इसमें सिर्फ आपके क्लिक क्या करना चाहिए कि जो देविका ने अकेले कितना काम किया, बैलेंस जो था वो 23 डेज देविका ने अकेले किया, इसका मतलब बाकी जो काम था वो बोथ ने किया, तो दोनों ने कितना काम किया, जैसे ये क्वांटम निकलेगा और आप पर डे उनका वर्क आपके पास है तो आप वो डेज को निकाल लो, थोड़ा सा अपना
कूल रह के करने की जरूरत है, बाकी पेपर का ऐसा कोई लेवल नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। इस 2019 में दो ही लेवल बन गए, एक प्री और एक मेन। प्री किसी का भी हो बहुत आसान है, मेन किसी का भी हो वो टफ आ रहा है, राइट। तो बिल्कुल कूल रह के, तो ये सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसको ये मान रहे हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।